हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले दो लेक्चर में आप लोगों को एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो थी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड वो समझाया था। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ क्या होता है वो समझाया था। इस लेक्चर में मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देख लीजिए। उसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपने ये देखा होगा कि जब हम लोग आजकल तो वो बल्ब इस्तेमाल नहीं करते, नहीं तो हम लोग 100 वाट का वो बल्ब ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जब हम लोग को अगर बल्ब निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, कपड़े का इस्तेमाल करके निकालते थे। क्यों कपड़े का इस्तेमाल करते थे, ताकि हाथ जल ना जाए। इसका मतलब उसके अंदर गर्मी है, इसका मतलब उसी को तो हम लोग हीट बोलते हैं। लेकिन गर्मी कैसे होना चाहिए, हमने तो उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, तो इसका ये मतलब तो ज़रूर है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही गर्मी जनरेट हो सकता है। इसका साफ साफ मतलब यही होता है। इसीलिए इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो गर्मी पैदा होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ख़राब चीज़ है। हीटिंग इफेक्ट से हम तो इंसान हैं, हम तो ख़राब चीज़ में भी अच्छा चीज़ ढूंढ लेते हैं। हमने इसका उपयोग कैसे किया, यूज़ कैसे किया, देखिए आप लोग कपड़ा प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और उसके वजह से वो गर्म होता है, और गर्म जैसे होता है हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर आपने देखा होगा हम लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं। हीटर से क्या होता है, ठंडी के समय में नवंबर दिसंबर में हम लोग पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके पानी को वो हीट करने के लिए एक मशीन हमने डेवलप कर लिया। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फेनोमेना को यूज़ कर लिया। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग जूल्स लॉ भी बोल देते हैं।